नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों ने आज ट्रेन रुकने का ऐलान किया है। 6 फरवरी को उन्होंने चक्का जाम किया था और उसके पहले 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन जो है ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसमें हिंसा हुई थी और लाल किले पे जो है धार्मिक झंडा फहराया था। उसको लेकर के अलग अलग मामले दर्ज हुए और जाँच जारी है, कई लोग जेल पहुँच चुके हैं। आज जो उन्होंने ऐलान किया है वो 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में ट्रेन रोकेंगे, लिहाजा आरपीएफ और जो स्थानीय पुलिस होती है वो चौकस है। 3 जो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, इसके आसपास जो रेलवे ट्रैक है इस पे बहुत ज़्यादा चौकसी बरती जा रही है। किसान जब भीड़ के रूप में आएंगे और ट्रेन रोकेंगे तो आपने देखा होगा कि राजस्थान से लेकर के देश में जहाँ जहाँ ट्रेन रोकने का जब भी किसानों ने या भीड़ ने ऐलान किया, पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं रह जाती है कि वो उसे रोक पाए, क्योंकि भीड़ को डील करना और उनके खिलाफ लाठीचार्ज भी नहीं करना है, गोली भी नहीं चलाना है, फिर उनको रोकना सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी चौकसी रखी गई है और किसानों ने भी ऐलान किया है कि ये जो आंदोलन है वो पूर्णतया अहिंसक होगा, कहीं किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ट्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि फूल माला दिया जाएगा, यात्रियों से कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। देखने वाली बात ये होती है कि किसान जो नेता होते हैं वो तो कोशिश करते हैं, बट भीड़ में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो इस बात को नहीं मानते। लेकिन इसके जरा लीगल पहलू को देखें कि जो ये ट्रेन रोकने का ऐलान किया जाता है, पंजाब में जब ये किसान धरना दे रहे थे तब भी ये रेल पटरियों पे आ गए थे, तो क्या इसका प्रोविजन क्या है? तो जो रेलवे एक्ट है उसकी धारा 150 के तहत यदि कोई ट्रेन पर कुछ फेंकता है या पटरियों को नुकसान पहुंचाता है तो मालूम है उसमें आजीवन कारावास का प्रोविजन है। अलग अलग कंडीशंस के साथ जो है आजीवन कारावास का प्रोविजन है। ठीक इसी तरीके से यदि आप पटरियों पे आ करके खुद भीड़ आ गई या कुछ रख करके आप जो है ट्रेन को रोकते हैं तो उसमें जो है 2 साल तक की सज़ा और 2000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है कि इसमें सज़ा और ये आपको हो सकती है। ठीक इसी तरीके से रेलवे के कर्मचारी यदि कोई अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप ट्रेन में घुसते हैं, उनको अपना काम करने से रोकते हैं तो इसमें भी जो 147-148 में सज़ा का प्रोविजन है, जिसमें 6 महीने तक कारावास हो सकता है, 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रोविजन है। लेकिन आंदोलन के दौरान होता क्या है कि जब भी भीड़ होती है तो मामले भी दर्ज होते हैं, लेकिन पुलिस या आरपीएफ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता है, क्योंकि अपने ही देश के लोग होते हैं, अपनी मांगों के लिए ये कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि कहाँ तक उनकी नीयत क्या है, इसके पीछे नीयत भी देखी जाती है क्राइम में ख़ास तौर से। तो ये सज़ा का प्रोविजन है और जहाँ कहीं भी ऐसी घटनाएं हुई तो तय मानिए अभी तक जो पुलिस और गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है कार्रवाई करने का, उसने कार्रवाई हर मामले में की है। यानी कि यदि ट्रेनों को नुकसान पहुंचा, यात्रियों को नुकसान पहुंचा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और आरपीएफ ने भी बोल दिया, स्थानीय पुलिस भी चौकस है। तो अब ये देखते हैं कि आज का जो ट्रेन का चक्का जाम करने का किसानों का ऐलान है उनके सामने चुनौती है, कैसे इसको शांतिपूर्ण रखा जाए। एक बात और आपको बता दें कि पंजाब में जो स्थानीय निकाय चुनाव का परिणाम आया है उसमें जिस तरीके से बीजेपी का सफाया हुआ है उसके बाद ये लोग रीथिंक करने को मजबूर हो गए हैं कि कैसे किसानों को मनाया जाए। मान के चल रहे थे कि पंजाब में इन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है और इस बात को लेकर के सुकून महसूस कर सकते हैं कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि अकाली दल, जो कि इसी मुद्दे को लेकर के सरकार से अलग हो गई थी, और आप यानी कि आम आदमी पार्टी का भी एक तरह से सफाया ही हो गया है। यदि फायदा हुआ है किसी को तो वो कांग्रेस को हुआ है, और बठिंडा में तो 53 साल बाद जो है कांग्रेस के खाते में वो गया है बठिंडा। तो इस तरीके से बीजेपी को नुकसान होना शुरू हो गया है और बीजेपी ने अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के जो जाट नेता थे, सांसद और विधायक थे, उनकी एक मीटिंग भी की है कि किस तरीके से आम लोगों के बीच में जा करके उन्हें इस कानून के फायदे गिनाने हैं, उन्हें बताना है। तो अब देखते हैं कि उसकी अगली रणनीति क्या होती है, कैसे किसानों को मनाती है। बहरहाल जो 84-85 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, ये लोगों पे भी भारी पड़ रहा है, आम लोगों पे भी, सरकार पे भी भारी पड़ रहा है, और किसानों का कहना है कि हम क्या करें, हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, राजनीति अलग इसमें घुस गई है। तो ये अब सरकार के सामने चुनौती है कि कैसे इसको ख़त्म कराए, कैसे किसानों को मनाए। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।